हेलो एवरीवन, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। तो दोस्तों, हाल ही में हुई आईपीएल ऑक्शन के बाद इस समय हम सभी टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इन टीमों की हम बात करने जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पिछले साल काफी शानदार प्रदर्शन किया था और ये टीम प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने में सफल भी हुई थी। हालांकि दोस्तों, ये टीम खिताब अपने नाम करने में सफल नहीं हुई और फाइनल मुकाबले से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के बाद टीम के लिए काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई जब टीम के कप्तान विराट कोहली ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में दोस्तों, इस साल मेगा ऑक्शन में टीम एक नए कप्तान की तलाश में ऑक्शन में उतरने वाली थी। दोस्तों, इस साल मेगा ऑक्शन से पहले ही टीम ने विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ देकर रिटेन किया। दोस्तों, इस साल मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम ने कोशिश की कि जिस तरह हर साल उनके पास स्टार बल्लेबाजों की भरमार होती है, इस साल भी उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल किया। इसके साथ दोस्तों, हर साल देखा जाता है कि आरसीबी की टीम अपनी कमजोर गेंदबाजी के चलते टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों, इस साल टीम ने गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए काफी रुचि दिखाई और कई वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों पर अपना निवेश किया। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आने वाले सीजन में किन 11 खिलाड़ियों के साथ आरसीबी की टीम मैदान पर उतर सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सलामी बल्लेबाज इस टीम के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं वो होंगे फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस पिछले कुछ सीजन से एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल में पिछले कुछ सालों से शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार ही अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंसी से रन बनाए हैं। ऐसे में दोस्तों, इस साल आरसीबी टीम को भी फाफ डू प्लेसिस से कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके साथ दोस्तों, अगर आरसीबी टीम चाहे तो फाफ डू प्लेसिस को अपनी टीम की कमान भी सौंप सकती है। अब बात करते हैं इस टीम के मिडल ऑर्डर की। तो दोस्तों, इस टीम के लिए जो बल्लेबाज मिडल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर। दोस्तों, केकेआर के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इस फ्रेंचाइजी ने पिछले साल रिलीज कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, इस साल आरसीबी ने दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक के पास आईपीएल में खेलने का काफी अनुभव है और वो इसका आने वाले सीजन में भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। इसी वजह से दोस्तों, दिनेश कार्तिक इस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की। दोस्तों, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी आने वाले सीजन में आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे शाहबाज अहमद और वनिंदु हसरंगा। दोस्तों, वनिंदु हसरंगा की गिनती इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर की जाती है। दोस्तों, वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आरसीबी ने लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ऐसे में दोस्तों, आने वाले सीजन में वनिंदु हसरंगा से इस टीम को काफी उम्मीदें होंगी कि हसरंगा ना सिर्फ अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाएं बल्कि बल्ले से भी निचले क्रम में आकर अहम योगदान दें। अब बात करते हैं इस टीम की गेंदबाजी की। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी इस टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन के नियमों की वजह से आरसीबी ने पिछले साल अपने स्टार तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को रिलीज कर दिया था। हालांकि दोस्तों, इस साल मेगा ऑक्शन में आरसीबी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को वापस हासिल करना, और दोस्तों, ये टीम ऐसा करने में सफल भी हुई। दोस्तों, आरसीबी की टीम ने इस साल भारी कीमत चुकाकर हर्षल पटेल को अपनी टीम में वापस जोड़ लिया है। ऐसे में दोस्तों, आगे भी आरसीबी की टीम को हर्षल पटेल से कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी जैसा वो पिछले साल करने में सफल हुए थे। अब बात करते हैं आज की दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन पिछले साल बेहद निराशाजनक रहा और ये टीम प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। दोस्तों, इस साल आईपीएल ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, एसआरएच की फ्रेंचाइजी ने केन विलियमसन को 14 करोड़, अब्दुल समद को 4 करोड़ और उमरान मलिक को 4 करोड़ देकर रिटेन किया। ऐसे में दोस्तों, इस साल सनराइजर्स हैदराबाद भी उन चुनिंदा टीम का हिस्सा थी जिनके पास आईपीएल ऑक्शन में काफी भारी पर्स मौजूद था। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इस पर्स का पूरा फायदा उठाते हुए एक मजबूत टीम खड़ी कर ली है। तो आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि आने वाले सीजन में कौन से 11 खिलाड़ी इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम के ओपनर्स की। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी इस टीम के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं वो होंगे एडेन मार्करम और राहुल त्रिपाठी।
दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एडन मार्करम इस टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। दोस्तों एडन मार्करम संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों एडन मार्करम आने वाले सीजन में केन विलियमसन का भरपूर साथ निभा सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीम के मिडल ऑर्डर की। तो दोस्तों आने वाले सीजन में जो खिलाड़ी इस टीम के मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे वो हैं केन विलियमसन, निकोलस पूरन और अब्दुल समद। दोस्तों वेस्टइंडीज के स्टार हार्ड हिटिंग बल्लेबाज निकोलस पूरन को इस साल SRH की फ्रेंचाइजी ने लगभग 10 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। ऐसे में दोस्तों आने वाले सीजन में SRH की फ्रेंचाइजी को निकोलस पूरन से उसी अंदाज में बल्लेबाजी की उम्मीद होगी जो वो अक्सर अपनी टीम के लिए करते हैं। दोस्तों हाल ही में खेली गई इंडिया के खिलाफ सीरीज में निकोलस पूरन ने काफी अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी की है और SRH की टीम चाहेगी कि वो इसी फॉर्म को अगले साल भी बरकरार रखें। अब बात करते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की। तो दोस्तों जो ऑलराउंडर खिलाड़ी अगले सीजन में इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और रोमेरियो शेफर्ड। दोस्तों इस साल SRH ने भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों हाल ही में खेली गई वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में सुंदर शानदार लय में थे और उन्होंने अपनी फिरकी का जलवा दिखाने के साथ साथ बल्लेबाजी से भी अहम योगदान दिया। ऐसे में दोस्तों आने वाले सीजन में SRH को अपने इस ऑलराउंडर खिलाड़ी से बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं इस टीम की गेंदबाजी की। तो दोस्तों आने वाले सीजन में जो गेंदबाज SRH के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे उमरान मलिक, टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों इस साल SRH की टीम ने कई वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों में काफी निवेश किया है। दोस्तों इस साल SRH ने अपने पुराने अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन को एक बार फिर से खरीद लिया है। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही गेंदबाज अपनी टीम के भरोसे पर खड़े उतरना चाहेंगे और आने वाले सीजन में अपने प्रदर्शन से जलवा दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये होंगी SRH और RCB की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन टीमों में कुछ बदलाव होना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप भी अपनी अपनी फेवरेट टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आने वाली टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 जानने के लिए बने रहें क्रिकेट एडिक्टर के साथ। We'll be right back.